गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंतर्गत आई शैल टीच यू टुडे फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट, ईच टेंस हैज फोर काइंड, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हम देखें इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन फ्यूचर इंडेफिनिट यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बी शैल यूज Will, shall। Student, shall is used with I and V. Will is used with other subject. प्रत्येक main verb की first form का प्रयोग हम present जो future indefinite में करते हैं। In negative, will not, shall not, shall not is used with I and we, first form of the main verb। In interrogative, will or shall according to subject, subject it may be negative, not first form of the verb। Students, प्रत्येक टेंस के इंडेफिनिट टेंस में अधिकांश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एक्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी शैल यूज। अब देखें इसी प्रकार प्रत्येक टेंस की कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। शैल बी इज यूज्ड विद आई एंड वी और बी एट आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इन निगेटिव बी यूज नॉट, विल नॉट, बी नॉट, विल और बी के बीच यूज होता है, शैल नॉट बी, बी एट आई एन जी मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इन कंटिन्यूअस टेंस। इन इंटरोगेटिव बी यूज ओनली विल एंड शैल बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर इट सब्जेक्ट, इट मे बी निगेटिव, नॉट आई एन जी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, यदि हम परफेक्ट की ओर देखें तो परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव में विल हैव, शैल हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब और तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यदि परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। शैल हैव आई और बी के साथ, अदर सब्जेक्ट विल हैव। थर्ड फॉर्म को स्टूडेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। अब निगेटिव में बी यूज नॉट बिटवीन विल एंड हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव,
स्टूडेंट आई और बी के साथ शैल हैव नॉट हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों सब्जेक्ट के साथ की जाती है। अब इंटरोगेटिव में बी शैल यूज ओनली विल और शैल बिफोर सब्जेक्ट, बी शैल यूज विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टर इट वी यूज सब्जेक्ट, इट मे बी निगेटिव नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चूंकि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव और इसमें बीन का प्रयोग करते हैं। यदि कंटिन्यूअस है तो बी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यदि स्टूडेंट ये निगेटिव है तो नोट का प्रयोग हम बिल और सेल के तुरंत बाद करेंगे, आई और बी के साथ हो जाएगा, सेल हैव बीन। यहां पर विल नॉट हैव बीन, और आई और बी के साथ शैल नॉट हैव बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चूंकि दो काइंड का मिश्रण है, मिक्सचर है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म परफेक्ट के लिए विल हैव बीन, शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसी प्रकार बी शैल यूज ओनली बिल और सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर इट सब्जेक्ट, आफ्टर इट नॉट, आफ्टर इट हैव बीन। बी यूज आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइमिंग भी यूज इसमें करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फॉर या सिंस का भी प्रयोग करते हैं, उसके बाद टाइमिंग क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, बी शैल यूज सिंस, यदि पीरियड ऑफ टाइम है, बी शैल यूज फॉर। तो दीज आर द काइंड्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन इंडेफिनिट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन कंटिन्यूअस विल बी शैल बी फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इन परफेक्ट विल हैव शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इन परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस एंड निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम टाइमिंग से पहले करते हैं। स्टूडेंट आई होप दैट यू वुड बी आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टूड विद दिस टॉपिक। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब स्कूल चैनल। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।